नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 की एसएसटी सब्जेक्ट की अनुमानित कट ऑफ जो कितनी रहने वाली है। इसका सबसे सटीक विश्लेषण हमने किया है बहुत से यूट्यूब चैनल्स, बहुत से कोचिंग सेंटर्स से जान करके आपके सामने लेके आए हैं एसएसटी की अनुमानित कट ऑफ। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं जितना हम बताएंगे तो इसका मतलब आप सिलेक्टेड हैं और आज ही लड्डू बांट दीजिए आप, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में हमने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई है। इससे संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपका समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी जनरल की। अगर आप जनरल में हैं और मेल हैं तो आपकी कट ऑफ रह सकती है 295 से लेकर 297 नंबर तक आपके बन रहे हैं तो आप सिलेक्टेड हैं। अगर आप जनरल फीमेल हैं तो आपकी कट ऑफ रह सकती है 290 से लेकर 292 तक। अगर फ्रेंड्स आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको बधाई देना चाहते हैं। अगर आपके इनसे कम या ज्यादा बन रहे हैं तो भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो मेल की 290 से लेकर 292 तक रह सकती है। ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 287 से लेकर 290 तक रह सकती है। अगर फ्रेंड्स आप ओबीसी में हैं, मेल हैं तो 290 से लेकर 292, अगर आप फीमेल हैं तो 287 से लेकर 290 तक आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप हैं सिलेक्टेड। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके सेकंड ग्रेड में कितने नंबर बन रहे हैं हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का हमें रहेगा इंतजार। चलिए अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 की जो अनुमानित कट ऑफ है वो एससी की कितनी रह सकती है। तो मेल की रह सकती है 251 से लेकर 254 तक, और अगर आप एससी फीमेल हैं तो 245 से लेकर 248 तक अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो यू आर सिलेक्टेड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2018 की कैटेगरी एसटी की। अगर आप एसटी मेल हैं तो आपकी अनुमानित कट ऑफ रह सकती है 243 से लेकर 245 तक, और आप अगर एसटी फीमेल हैं तो आपकी कट ऑफ रह सकती है 236 से लेकर 238 तक। अगर फ्रेंड्स आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो हम फिर कहना चाहते हैं यू आर सिलेक्टेड। हम फ्रेंड्स फिर दोहराना चाहते हैं कि इस अनुमानित कट ऑफ के बारे में आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी राय का हमें रहता है इंतजार। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 की अनुमानित कट ऑफ जो एमबीसी की रहने वाली है। अगर आप एमबीसी में मेल हैं तो आपकी कट ऑफ रह सकती है 267 से लेकर 279 तक। अगर आप एमबीसी फीमेल हैं तो आपकी कट ऑफ रह सकती है 260 से लेके 262 तक। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो फिर हम कहना चाहेंगे यू आर सिलेक्टेड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के वीडियो में हमने विश्लेषण किया सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 के सब्जेक्ट एसएसटी की अनुमानित कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अगर आप हमारे विचारों से, हमारे आंकलन से सहमत नहीं हैं तो हमें जरूर बताना। अगर आप सहमत हैं तो हम भी फिर कहना चाहते हैं कि कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेकंड ग्रेड टीचर बन गए हैं राजस्थान सरकार में। आने वाले वीडियो में हम सेकंड ग्रेड एग्जाम के और भी सब्जेक्ट जैसे साइंस, हिंदी, मैथ की कट ऑफ कितनी रहने वाली है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ एक और लेटेस्ट राजस्थान रोजगार से जुड़े हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।